केंद्र की भाजपा सरकार के लिए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में वर्चुअल मीटिंग जारी है। इस बैठक को कांग्रेस किसान सम्मेलन का नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ स्तरीय वर्चुअल किसान सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर से एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस मुख्यालय और 307 ब्लॉक मुख्यालय में एक साथ ये वर्चुअल किसान सम्मेलन हो रहा है। सभी स्थानों पर एलईडी स्क्रीन और लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से उपस्थित लगभग 30,000 मजदूर किसान और नागरिकों और कांग्रेसजनों को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय और 307 ब्लॉक मुख्यालय में से लोग यहां पर जुड़े हैं। लाइव तस्वीरें केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहां बड़ी कंपनियों के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी वैभव पांडे से लेंगे। वैभव, क्या कुछ जानकारी, वहां पर कैसी स्थिति अभी? जो आत्महत्या का दर है वो समय जान दे जो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा। और ये मोदी सरकार की तरफ से जो कृषि कानून लाया गया है उसके विरोध में ये वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं वो सब मौजूद हैं। 307 ब्लॉक जो है वहां पे ये डिजिटली तौर पर जो किसान है वो जुड़े हुए हैं। उनके बीच में ये मैसेज देने की कोशिश है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि मोदी सरकार का जो कानून है वो पूरी तरह से किसानों का के विरोध में है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा और छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून से अलग एक नया कानून जो है बनाने जा रही है। वो तमाम बातें इस वक्त यहाँ से कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे मौजूद है जो कि कुछ देर में बहिष्कार तो किया जा रहा है, कानून का लगातार बहिष्कार हो रहा है, पर लोगों का कैसा वहां पर रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, जो ज्यादातर छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, चूंकि वो भूपेश सरकार से पिछले दो साल में लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो या फिर कर्जा माफी के जरिए हो, तो निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ के किसान है उनको ये लग रहा है कि ये मोदी सरकार जो है जो कानून लेके आई है उससे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अगर 2500 रुपए देना बंद कर देगी इस कानून के चलते, अगर किसी तरह का कोई परेशानी हुई तो उनसे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए जो सम्मेलन में जुड़े हुए किसान वो साफ तौर से यही बात को कह रहे हैं कि हमें भूपेश सरकार पर विश्वास है, भूपेश सरकार इस कानून को ना माने और सरकार जो है किसानों के हित में जैसा काम कर रही है वैसा काम करते रहे और उन्हें 2500 रुपए समर्थन मूल्य में उनकी खरीदी जारी रहे। मंडी व्यवस्था, जिस व्यवस्था को इस कानून से नुकसान होने वाला है वो व्यवस्था बनी रहे, यानी कि मंडी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, मंडियों में धान की खरीदी होती रहनी चाहिए। ये साफ तौर पर जो किसान जो जुड़े हुए हैं अभी डिजिटली तौर पर वो ये कह रहे हैं इस बात को, और इसी बात को ही एक मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है कि मोदी सरकार जिस तरीके से कानून लेकर आई है वो कानून किसानों के हित में नहीं है, ये संदेश देने की कोशिश है। और इसका हमने देखा है पर बीजेपी में साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है किसानों को, ये हित में है और आगे जाके काम आएगा किसानों को, किसानों के हित के लिए ये कानून बनाया गया है। देखिए, जितनी भी कांग्रेस शासित सरकारें हैं हमने देखा कि पंजाब में जिस तरीके से एक बड़ा विरोध हुआ वहां पे राहुल गांधी पहुंचे आंदोलन में, और छत्तीसगढ़ में कुछ उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश यहाँ की सरकार की तरफ से की जा रही है। भूपेश सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ के जो आम तबके के लोग हो, जो मजदूर तबके के लोग हो, जो ट्रेड यूनियन के लोग हो, वो इस कानून के पक्ष में नहीं है और इसको लेकर के लगातार यहाँ पे भी प्रदर्शन विरोध देखने को मिला है। आज सरकार की तरफ से एक, यानी कि सरकार ना की है बल्कि कांग्रेस की तरफ से जो है एक वर्चुअल जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सरकार इस मुद्दे को जो है जमीनी स्तर पर ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मोदी सरकार का कानून है उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। चूंकि छत्तीसगढ़ में मरवाही का एक उपचुनाव भी है, उपचुनाव से पहले भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ अहित होने नहीं देगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार इस मामले में गुमराह कर रही है किसानों को और कृषि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसान विरोधी चीजें नजर आए। जी,
स्थिति अभी क्या बनी हुई है, क्योंकि कोरोना काल भी है, काफी संख्या में लोग भी वहां पर जुड़े हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, मंत्री नेतागण सभी जुड़े हुए हैं वहां पर। देखिए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अव्यवस्था की स्थिति न बने, खासतौर पर जो कोरोना का संकट है उन सबके बीच में जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन किया जाए, चेहरे पे मास्क नजर आए, सैनिटाइज वो करते रहे, ये कोशिश तो होती है अपने अपने दलों के माध्यम से, जो है सरकार भी करती रहती है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि भीड़ जो रहती है वो अपने हिसाब से ही चलती है, अपने हिसाब से काम करती है, वो बहुत ज्यादा मैनेज नहीं हो पाती है, और यही सारी चीजें जो है हमने अभी तक के विरोध प्रदर्शन और जो रैलियां हुई है, जो मार्च हुआ है, उसमें देखने को मिला है। आज जो डिजिटली तौर पे जो ये सम्मेलन हो रहा है रायपुर में, जो लोग पहुंचे हुए हैं उसमें तो संख्या सीमित है, क्योंकि एक राजीव भवन कांग्रेस भवन के बाहर ही प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें करीब करीब 300 के करीब जो है नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन बाकी जो 307 ब्लॉक जो कांग्रेस संगठन के जो ब्लॉक हैं और 36 जो जिला संगठन के जो उनके क्षेत्र हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूदगी जरूर किसानों की है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम देख पा रहे हैं जिसे, तो कोशिश तो है कि सब कुछ मैनेज तरीके से हो जाए, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि कहीं कहीं पे सोशल डिस्टेंस का पालन देखने को नहीं मिलता है, और ये शायद बहुत मुश्किल हो जाता है नेताओं के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि भीड़ अपने हिसाब से चलती, वो चीजें बहुत ज्यादा मान के चलती नहीं है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ खड़े हैं, और हम देखें हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से किसान सम्मेलन सफल रहे हैं और किसानों के साथ खड़े होने की उन्होंने बात भी कही है राहुल गांधी ने, और हस्ताक्षर अभियान की बात कही है, हस्ताक्षर अभियान के लिए कितने लोग यहाँ पर तैयार है, किस तरह का रुख आप देख रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, आज ये बड़ा कार्यक्रम है, मुझे लग रहा है कि पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में, पंजाब में हमने देखा कि सड़क पर किसान उतर के एक लंबी जो है दूरी तय करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, दिल्ली तक मार्च करने की कोशिश उन लोगों ने की थी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल डिजिटली तौर पर किसानों को एकजुट करने की कोशिश सरकार की तरफ से है, हस्ताक्षर अभियान की जो बात है हो सकते हैं आने वाले समय में देखने को मिले, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं, भूपेश सरकार जो है या कांग्रेस पार्टी है, वो इस कोशिश में जरूर है कि हमें राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है समर्थन मिले और छत्तीसगढ़ में उनकी एक रैली हो जाए, राहुल गांधी अगर यहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इस कोशिश में है, और बीते दिनों कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान भी आया था कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में किसानों के समर्थन में रैली कर सकते हैं, तो इस कोशिश में तो जरूर है सरकार की, इस कानून के विरोध में एक बड़ा जो है प्रदर्शन व्यापक स्तर पर जो है मोदी सरकार के खिलाफ किया जाए, तो शायद उसकी एक शुरुआत है ये डिजिटली तौर पर, और आने वाले दिनों में ये एक और बड़े प्रदर्शन के आप नजर बनाए रखिए किस तरह की स्थिति बनती है, कैसा रुख दिखाई देता है लोगों का, आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अगुवाई में ये किसान मन के आज हम लगातार जो संघर्ष करत हैं, सौभाग्य से आदरणीय भूपेश जी, आदरणीय पुनिया जी हमारे मंच में मौजूद है, पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत रही से पोखर से लड़ाई लड़े पर, सड़क के लड़ाई लड़े पर, कोनों में रैली के जरूरत हो, कोनों में प्रदर्शन के जरूरत हो, कोनों में जेल जाना हो, कोनों में पद यात्रा करना हो, पुनिया जी और संघर्ष के साक्षी है, आदरणीय भूपेश जी और तो लगातार आगे बढ़ेंगे।